हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा सलमान खान की एक और आने वाली फिल्म के बारे में, जो एक साउथ कोरियन फिल्म है। आपने बहुत ही कम सुना होगा इस फिल्म के बारे में अगर आप इंटरनेशनल फिल्म नहीं देखते हो तो, लेकिन ये बहुत ही पॉपुलर फिल्म है जिसका नाम है ओडे टू माई फादर। ओडे टू माई फादर 2014 की साउथ कोरियन फिल्म है और अब तक की कोरिया की सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है। ये एक ऐसे इंसान के ऊपर डिपेंड है जो अपने मतलब 1950 से लेके अभी तक की जिंदगी के ऊपर बेस्ड है। उसके किस तरह से वो कोरिया में जो चेंजेस आते हैं इन 50 सालों में, क्या क्या बड़े बड़े मेजर इवेंट्स होते हैं, वो उसकी नज़र से दिखाई गई है फिल्म। और बहुत ही बढ़िया फिल्म है। इसका एक रीमेक बनने जा रहा है, जो रीमेक राइट्स अतुल अग्निहोत्री ने खरीदे हैं और कहीं ना कहीं वो फिल्म को प्रोड्यूस भी करेंगे। इसमें सलमान खान लीड रोल में नजर आएंगे और साथ ही साथ इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे अली अब्बास जफर ने सलमान खान को सुल्तान में भी सलमान खान को डायरेक्ट किया था। उसके बाद उनकी आने वाली फिल्म जो सलमान खान की है, एक था टाइगर के जो सीक्वल है, टाइगर जिंदा है, उसके लिए भी अली अब्बास जफर ही फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं। और उसके बाद अली अब्बास जफर के पास एक और प्रोजेक्ट आ गया है, ओडे टू माई फादर। ये ऐसा आप समझ के चलिए, अभी तक क्लेरिफाई नहीं हुआ है, बट कहीं ना कहीं नाम तो यही सुनने में आया कि अली अब्बास जफर इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब ये कि सलमान खान के पास आने वाले सालों में कई सारी फिल्में हैं। इस साल दो फिल्में ऑलरेडी उनकी रिलीज होने वाली, एक तो ट्यूबलाइट ईद के मौके पर रिलीज होगी और दूसरी रिलीज होगी टाइगर जिंदा है, 22 दिसंबर 2017 का रिलीज डेट है उसका। तो आई थिंक 2018 में सलमान खान इस फिल्म की शूटिंग चालू करेंगे जिसका नाम है ओडे टू माई फादर। आप कितने एक्साइटेड हो इस न्यूज से और आपको क्या लगता है किस तरह से ये सलमान खान एक अपना एक जनर चेंज कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हिस्टोरिक टाइप फिल्म कर रहे हैं, थोड़ा सा अलग तरह का फिल्म कर रहे हैं? क्योंकि मुझे तो बहुत खुशी है बजरंगी भाईजान के बाद से जो लैप्स आया, जो मतलब जो एक अलग अलग चीजें कर रहे हैं, वो बहुत अच्छी लगी। सुल्तान हो, बजरंगी भाईजान मेरी फेवरेट फिल्मों में से एक है उनकी। तो सलमान खान कहीं ना कहीं हर कोशिश कर रहे कि वो अपनी ऑडियंस को खुश रखे, एंटरटेन कर सके हर एक तरह से। कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबर बताऊँ, चले तब तक के लिए बाय बाय।